इंडियन क्रिकेट टीम श्रीलंका के टूर पर है और इस टूर पर T20 सीरीज के साथ आगाज होगा। श्रीलंका के इस टूर पर टीम इंडिया के स्टार प्लेयर सूर्यकुमार यादव अपनी नई इनिंग का स्टार्ट करने जा रहे हैं। सूर्यकुमार यादव के लिए फुल टाइम T20 कैप्टन बनने के लिए यह सीरीज बेहद खास होने वाली है। सूर्यकुमार यादव ने T20 कैप्टन बनने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना किया। इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने बहुत ही खास बात कही है। क्रिकेट को लेकर क्या है सूर्या का दृष्टिकोण और इस सीरीज को लेकर क्या होगी उनकी प्लानिंग, इसे लेकर सूर्या ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने क्रिकेट को अपनी लाइफ नहीं बल्कि लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट का करार दिया है। सूर्या ने कहा कि क्रिकेट से जो सबसे अहम चीज उन्होंने सीखी है वो ये है कि आप कितने विनम्र हैं। जब आप कुछ हासिल कर लो या जब आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हो इस दौरान आप कितने विनम्र रहते हो, ये बात मैंने इस खेल से सीखी है। इसके बाद आगे सूर्या कहते हैं कि आप क्रिकेट के ग्राउंड पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी लाइफ नहीं है बल्कि लाइफ का पार्ट है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जब आप अच्छा कर रहे हो तो टॉप पर रहोगे और जब आप नहीं कर रहे हो तो आप अंडरग्राउंड रहेंगे। ये चीज आपको एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर नहीं करनी चाहिए। इससे ही मुझे जीवन में बैलेंस बनाने में मदद मिलती है। सूर्या यादव ने क्रिकेट में अपनी समझ को लेकर जो कुछ कहा उसे लेकर आपका क्या कुछ दृष्टिकोण है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।